सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू द वन शॉट सीरीज, जहां पर हम हर चैप्टर को 15 मिनट में कवर करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, दैट इज क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर सेकंड। और आप आग लगाने वाले हैं हर एक चैप्टर में, जिसमें हम वन शॉट सीरीज में हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखियो, आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी तो फिर काम नहीं चलने वाला। आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने प्यार रेगुलर सिलेबस में दिया, ठीक उसी तरह से आपका प्यार चाहता हूं इस सीरीज में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इन वीडियो को शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, करोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल करना। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज एसिड्स। और मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, आपके दिमाग में एक एक बात पूरी तरह से 15 मिनट के अंदर ही बैठ जाएगी। आपको बस सुनना है भाई, आपको बस सुनना है। देखो, आपसे कहा जाए एसिड क्या होता है, तो याद रखना एसिड आर केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिनको हम वाटर में जब ड्रॉप करते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व कराते हैं, तो ये H+ आयन एंड करस्पोंडिंग एनायन देते हैं। आपको बता दें भाई कि H+ आयन एंड करस्पोंडिंग एनायन से हम क्या समझते हैं? एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मान लीजिए अगर ये HCl पानी में जाएगा तो ये H+ एंड Cl नेगेटिव देगा, H+ Cl नेगेटिव देगा। अगर H2SO4 पानी में जाएगा तो ये आपको H+ एंड SO4 डाय नेगेटिव देगा। तो ये क्या है भाई? ये तो H+ है, इसको अपन कैटायन कहते हैं, और ये क्या है? करस्पोंडिंग एनायन। समझ आया? चलिए, तो भाई एसिड क्या है? एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो कि जब पानी में जाते हैं तो H+ आयन एंड करस्पोंडिंग एनायन में टूट जाते हैं। आपको बता दें कि भाई वाटर क्या करता है, वाटर इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है, जिसके कारण से ये H+ और Cl नेगेटिव आयन में या फिर H+ और करस्पोंडिंग एनायन में बिखर जाता है, टूट जाता है। चलिए, तो अब अगर आगे बात करेंगे कि जो एसिड की जो pH वैल्यू होती है less than 7 होती है, कितनी होती है? 7 से कम। और एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। एक और चीज आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे यहां पर देखो भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए HCl पानी में गया, HCl प्लस वाटर जब रिएक्ट किया तो H+ और Cl नेगेटिव आयन में बिखर गया। तो देखो H2O इस H+ आयन से जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर H3O+ आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन अलग हुआ। तो इस H3O+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस करस्पोंडिंग एनायन देता है। तो ये आपके पास कुछ नेम्स हैं एसिड्स के, इनको अच्छे से पढ़ो और इनको फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड स्लाइड हमारे पास, दैट इज भाई एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। आप जानते हो कि एसिड कौन है? एसिड वो है जो कि H+ आयन को डोनेट करते हैं पानी में। तो याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा H+ आयन को रिलीज करें, डोनेट करें, H+ आयन हमें दे पानी के अंदर। ओके, नाउ तो अब यहां पर जो है एक चीज होती है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता दें कि इट इज डिसाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर। याद रखना कि भाई याद रखो इस बात को कि अगर हमने कहा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो उसका मतलब क्या है कि भाई वो प्योर एसिड है, उसमें पानी की मात्रा, पानी की क्वांटिटी उसमें बहुत कम है। लेकिन यहां पर याद रखो डाइल्यूट करने का मतलब होता है पतला करना। अगर आपसे कहती है भाई डाइल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब पतला करना या फिर वाटर ऐड करना, आसान शब्दों में आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है। चलिए, अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, दैट मींस पतला करते हो, तो ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में मिलाओ ना कि पानी को एसिड में, है ना? ये क्यों कहा जाता है? एसिड को पानी में मिलाओ ना कि पानी को एसिड में। तो भाई ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नहीं करनी, याद रखो। तो डाइल्यूशन के समय यानी कि पतला करते, दैट मींस उसको थिन बनाते समय याद रखना कि वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता, अदरवाइज एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। ऐसा क्यों? आपको बता दें कि मान लो कि ये कंटेनर, इसमें HCl है, अब ऊपर से पानी आया, तो पानी क्या करेगा? इसकी बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वो बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन टूटेंगे। जब इतने ज्यादा H+ आयन टूटेंगे, Cl नेगेटिव आयन टूटेंगे, दैट मींस इतनी ज्यादा बॉन्ड जब टूटेगी, जब बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सप्लोजन हो सकता है, हम जल सकते हैं, या फिर एसिड की स्प्लैशेज उछल के हमारे फेस पर आ सकती है या हैंड पर, बॉडी पर आ सकते हैं, तो ये नुकसानदायक होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आंसर को आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ
तो अब आपसे कहा जाए कि एसिड्स में एसिड काफी टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें से जो ऑर्गेनिक, देखो अभी तक हमने पढ़ा ना लेबोरेटरी में एसिड जो प्रिपेयर किया जाता है भाई HCl, H2SO4, अब HNO3, ये सारे के सारे एसिड होते हैं, लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक एसिड भी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो कि डायरेक्ट नेचर से हमें मिलते हो, जैसे कि आपको बता दें, ऑरेंज, क्या है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड है। ऑरेंज में आपको साइट्रिक एसिड मिल जाएगा, टर्मिनेट जिसको हम इमली कहते हैं उसमें आपको टार्टरिक एसिड मिल जाएगा, इसी तरह टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, नेटल स्टिंग मेथनोइक एसिड, अंड स्टिंग मेथनोइक एसिड, लेमन में आपको साइट्रिक एसिड मिल जाएगा, और आपके पास जो जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड मिलेगा, साथ साथ विनेगर में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो इन एसिड्स को मैं आपसे कहूंगा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको इनको दबा के जो है इनको याद करना है, बिकॉज ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे बेस क्या होता है भाई। बेस जैसे आपने एसिड में पढ़ा ना, वैसे ही आपको बेस में ध्यान रखना है कि बेस वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते ही ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन एंड करस्पोंडिंग आयन देते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कैटायन, जैसे मान लो कि NaOH का है बेस है, अब यहां पर जब ये पानी में जाएगा तो Na+ एंड OH नेगेटिव मिलेगा, Na+ एंड OH नेगेटिव। तो देखो Na+ एंड OH नेगेटिव आपको मिलेगा। बेस जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, और उनकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। इसके बाद सब कुछ इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह जिस कैसे जैसे ये रिएक्ट करते हैं, तो जैसे एसिड करेगा वैसे ही बेस करेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो याद रखना कि एसिड और बेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि भाई ये कितने एसिडिक हैं कितने बेसिक हैं, इस स्ट्रेंथ को बताने के लिए पीएच स्केल का यूज होता है। अब ये पीएच स्केल का काम करेगी, तो भाई पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिस पर नंबरिंग होती है, जो ये बताता है कि अगर आप 7 से यदि किसी एसिड की पीएच वैल्यू या किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से जितनी कम होती चली जाएगी उतना ही वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और अगर 7 से ज्यादा 14 तक ज्यादा चली जाएगी उतना ही वो बेसिक यानी कि अल्कलाइन होगा। आपको बता दें कि पीएच स्केल का पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर सिंपल आपको नॉर्मल याद रखना है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो सिंपल सी बात है कि भाई जिस अगर एसिडिक ज्यादा है तो H+ आयन ज्यादा होगा, और अगर बेसिक ज्यादा है तो OH- आयन ज्यादा होगा। तो पीएच स्केल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को बताने वाली एक स्केल है। आपको याद रखना है कि यहां पर जैसे कि लेमन जूस जो होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बैटरी एसिड जो होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसके साथ साथ आपको इसी तरह से बेसिक का ध्यान रखना है। चलिए यहां पर देखो इंपोर्टेंस ऑफ पीएच की बात की जाए, इस पीएच की इंपोर्टेंस क्या है, क्या इस पीएच वैल्यू की पीएच स्केल की कोई इंपोर्टेंस होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पीएच लीड्स टू टूथ डिके। यदि पीएच हमारे माउथ में मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे, टूथ डिके होने लग जाएगी। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया तो जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो बचा हुआ फूड होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। मान लीजिए यहां दांतों में चिपक गया, अब क्या होगा भाई, फूड बचा हुआ तो बैक्टीरिया लग जाएंगे, बैक्टीरिया लगेगा तो भाई क्या होगा, बैक्टीरिया अपना काम करेंगे, और बैक्टीरिया के आ जाने से इसके अंदर जो पीएच वैल्यू होगी, पीएच वैल्यू यदि 5.5 से कम चली जाती है, 5.5 से, तो हमारी सलाइवा जो हो गई, सलाइवा अपनी एसिडिक हो गई, और जब सलाइवा एसिडिक हो गई तो फिर हमारे जो दांत होते हैं, जो टूथ एनेमल जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस मैं कहूंगा भी मटेरियल आप कह सकते हो, तो ये टूथ एनेमल सड़ने लग जाता है, इसमें डिके होने लग जाती है। तो इसलिए अगर माउथ की पीएच को मेंटेन करना है तो दिन में दो बार पेस्ट दैट मीन्स ब्रश करते रहना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये मेंटेन रहे आपकी, है ना। बाकी पेस्ट करने का मेन पर्पज यही होता है, फ्रेशनेस बनी रहे जिससे बैक्टीरिया का जो अटैक है वो कम हो जाए। याद रखना टूथ एनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पीएच की और भी कहीं पर जो है इंपॉर्टेंस है। देखिए पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखो पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से मेन रोल प्ले करता है। तो याद रखना कि जब हम ज्यादा एसिडिक खा ले, जब हम कोई भी चीज ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको रिलीज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस HCl वगैरह रिलीज करती है। तो फिर उस कंडीशन में जो स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बिकॉज जितना ज्यादा आप खाओगे उतना ज्यादा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए एसिड की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ज्यादा एसिड निकलेगा
बॉडी के अंदर तो एसिडिटी होगी, जिससे पेट में बहुत ज्यादा जलन वगैरह हो जाएगी। अब जरूरत क्या है हमें कि इस एसिडिटी को कम करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक चाहिए होगा। तो बेसिक हम क्या करते हैं भाई, इनो पी लेते हैं। इनो का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो एसिडिक चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक चीजों का, दैट इज बेसिक सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर पीएच वैल्यू आपकी कम होने लग जाएगी तो फिर हमारे बॉडी में जो एसिडिटी वगैरह जो है काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमें पीएच का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे पीएच ऑफ सॉइल, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भाई देखो क्या होता है कि अगर सॉइल की, दैट मीन मिट्टी की पीएच का पता लगा लिया जाए तो फार्मर्स उसके हिसाब से, उस मिट्टी की पीएच के हिसाब से अपने लिए बेस्ट फिटेड क्रॉप को ढूंढ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, कम खर्चे में ज्यादा काम। पीएच इन सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस में भाई इंसेक्ट वगैरह इस चीज को यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अगर इंसान आंट को या फिर बीज को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आंट या फिर बीज उसके अंदर, मधुमक्खी जो होगी उसकी बॉडी में एसिड अटैक कर देगी, जिसके कारण उसको जल मचेगी और इंसान जो है शॉक हो जाएगा, मक्खी रॉक करेगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब देखो इंडिकेटर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जो कि अपना कलर चेंज करके, या फिर ऑर्डर खुशबू चेंज करके एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। तो आपको पता है भाई दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक जूस, है ना। देखो लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। जबकि टर्मरिक जूस की बात करेंगे तो एसिड में ये येलो कलर की होती है, टर्मरिक जूस एसिड में येलो कलर का हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस तरह से नेचुरल इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। अगली बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो कि लैब में बनाए जाएं। सिंथेटिक इंडिकेटर लैब में बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, काफी सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए अभी दो जानना जरूरी है। तो फिनोप्थिलीन की बात करें, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलरलेस का होता है, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं, जबकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, लेकिन अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ये पिंक कलर का हो गया, और अगर पिंक कलर का हो गया हम समझ गए अरे ये तो जो है ये वाला सॉल्यूशन बेसिक है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज नॉर्मली न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होता है, जबकि ये रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। बात करेंगे यदि आप मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो फिर ये येलो कलर का हो जाएगा, तो हम पहचान जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। चलिए तो इंडिकेटर काम आपको समझ में आ रहा होगा। अब होते हैं भाई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी लोब, जैसे कि हमारे ब्रेन में होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नाक में होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि अपनी खुशबू अपने ओडर में चेंज करके बता देते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे कि वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें या अनियन की बात करें, तो ये क्या है, एसिड में अपनी स्मेल चेंज नहीं करते हैं, मतलब आप इनको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे इनकी ऑर्डर को, जबकि आप बेस में इनके ऑर्डर को डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, समझ में आया इतनी बात। अब बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं, जो कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताते हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं भाई। सॉल्ट्स, तो याद रखना सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन से। सॉल्ट का ऐसे कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि इसका नेचर एसिडिक है और इसका नेचर बेसिक है, अब ये दोनों कंबाइन करें तो उसके बाद ये दोनों एसिड की एसिडिटी खत्म हो गई, बेस की बेसिसिटी खत्म हो गई, तो ये क्या बन गए भाई, न्यूट्रल बन गए, न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल क्या भाई, सॉल्ट। ओके, चलिए आगे बात करें, ये अगर पावर वाले जब आते हैं तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं, अदरवाइज अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो एसिडिक सॉल्ट होता है, बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है तो फिर बेसिक सॉल्ट कहलाता है। ओके, नाउ तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू वाटर प्लस सॉल्ट। ओके, तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू वाटर प्लस सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, और अब देखो सॉल्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्ट होते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन की एक्शन से, ड्राई स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन की एक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो अगर आप स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है लॉन्ड्रीज, दैट मीन्स कपड़े वाली इंडस्ट्री में, कॉटन को जो है साफ करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर को जो है बहुत शाइन कराने के लिए। चलिए इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर डिस इन्फेक्टेंट की तरह भी काम करती है, और वाटर का ट्रीटमेंट करती है, जम्स वगैरह को किल करती है।
आगे बात करेंगे बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बायकार्बोनेट। सोडियम बायकार्बोनेट का मतलब है NaHCO3, NaHCO3, जबकि वॉशिंग सोडा का मतलब होता है Na2CO3। ओके, अब यहां पर NaCl वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया जब रिएक्ट करती हैं तो आपको ये बेकिंग सोडा मिलेगा। बेकिंग सोडा काम होता है फूड को स्पॉन्जी बनाना। जैसे मान लीजिए अगर बेकिंग सोडा हमारे ढोकले वगैरह के जो है थोड़ा सा जो है उसमें पेस्ट में पड़ा हुआ है तो यहां से CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस। ओके, तो ये CO2 गैस निकलती है तो अपना जो है गैप बनाती है, CO2 गैस जाती है और हमारा जो जो फूड आइटम है वो स्पॉन्जी बन जाता है। कैसा बन जाता है? स्पॉन्जी बन जाता है। ओके, तो ये एडिबल में यूज होती है, इसके साथ साथ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। चलिए आगे बात करेंगे वॉशिंग सोडा। आप जानते हो वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज होता है वाटर की परमानेंट हार्डनेस मिटाने में, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में और वॉश को क्लोथ्स को वॉश करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। ओके, नाउ अब बात करेंगे ये जो है यहां पर आपको प्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज होता है, घर में POP वगैरह कराते हैं, इसके साथ साथ यहां पर इसका यूज फ्रैक्चर्स वगैरह को जोड़ने में भी होता है। आगे बात करेंगे तो भाई आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो सारे हमने डिस्कस किए इसमें और आपके एग्जाम के लिए आपको गुड लक। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, आपका एक शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। टारगेट है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ 200 या 300 स्टूडेंट तक सिमट करके ना रह जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एक शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। धमाकेदार वीडियो सीरीज आपके लिए आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।